नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों अथवा विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। नई कविता की विशेषताएं निम्न हैं। नवीनता, नई कविता में नयापन है। भाव, विषय, वस्तु, शिल्प सभी दृष्टियों से यह परंपरा से विच्छेद की कविता है। अगे ने संभवतः इसी कारण इन कवियों को नई राहों के अन्वेषी का नाम दिया है। संवेदना और शिल्प की नवीनता के प्रति अदम्य आकर्षण ने इन्हें कुछ ऐसा कहने को बाध्य किया जो पुरानी कविता में नहीं है। नए कवि नवीन मूल्यों की स्थापना करने को उत्सुक हैं और अतीत को विस्मृत करना चाहते हैं। नवीनता के प्रति आग्रह रहने के कारण ही नई कविता में नए नए विषय चुने गए हैं। इस कविता में पहली बार कंक्रीट के पोर्च, चाय की प्याली, सायरन, रेडियम की घड़ी, चूड़ी का टुकड़ा इत्यादि विषयों का चित्रण हुआ। भौतिकता, परंपरागत कविता में जहाँ भावना की प्रधानता है वहीं नई कविता में भौतिकता की। आज का कवि भावनाओं की कैद से छूटकर बुद्धि के दुर्ग में बैठकर शब्दों का ताना बाना बुनने में विश्वास करता है। नया कवि पाठक के हृदय को झंकृत करने के स्थान पर उसकी बुद्धि को झकझोरना अधिक पसंद करता है। इस बौद्धिकता की प्रधानता के कारण ही नई कविताओं में रागात्मकता का ह्रास हुआ है और विचारात्मकता की वृद्धि हुई है। कविता निश्चित रूप से हृदय का विषय है, बुद्धि का नहीं, किंतु यदि उसे बलपूर्वक बुद्धि के किले में कैद करने का प्रयास किया जाएगा तो उसकी आत्मा मर जाएगी, उसकी सुकुमारता तहस नहस हो जाएगी और उसमें सरसता नहीं रहेगी। अतिशय बौद्धिकता का ही यह दुष्परिणाम है कि नई कविता रसहीन हो गई और उसमें साधारणीकरण की क्षमता नहीं रही है। डॉक्टर धर्मवीर भारती नई कविता में उपलब्ध इस बौद्धिकता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रश्न चिन्ह को बौद्धिकता कह सकते हैं। नई कविता में भी प्रयोगवाद के स्वरूप ही बौद्धिकता की विशेषता आ गई, जिस कारण कविता नीरस हो गई। अतिशय व्यक्तिकता, नई कविता की एक प्रमुख प्रवृत्ति है अतिशय व्यक्तिकता। नए कवियों ने अपने व्यक्तिगत जीवन के सुख दुख को काव्य का विषय बनाकर यद्यपि कोई अनहोनी बात नहीं की, क्योंकि कवि अपने व्यक्तिगत जीवन से एकदम असंपर्कित रहकर काव्य रचना में प्रवृत्त नहीं हो सकता। व्यक्तिगत जीवन का सत्य
काव्य में स्फुरित होता ही है। भारतेंदु युग एवं छायावाद युग के कवियों में भी व्यक्तिकता की प्रवृत्ति रही है, किंतु इस युग के कवियों ने अतिशय व्यक्तिकता की झोंक में कहीं कहीं तो कविता को आत्म विज्ञापन सा बना दिया। कवियों ने अपने विक्षोभ, निराशा, कुंठा, सफलता, असफलता को काव्य निबद्ध करके आत्म तृप्ति का अनुभव किया। इस काव्यधारा में उपलब्ध व्यक्तिकता इतनी आत्म केंद्रित है कि उसमें किसी अन्य को रस की अनुभूति नहीं होती। क्षणवादिता। नया कवि क्षणवादी जीवन दर्शन को अंगीकार करता है, उसे कल पर विश्वास नहीं, भविष्य का भरोसा नहीं, इसलिए वह वर्तमान को ही सब कुछ समझकर उसे पूरी तरह भोगने का आकांक्षी है। मानव मूल्यों के विघटन, सामाजिक विषमताओं एवं युद्ध की विभीषिकाओं के कारण निराशा के स्वर नई कविता में व्याप्त हैं। नई कविता का यह निराशावाद एवं तदजनित क्षणवाद कुछ तो व्यक्तिगत कारणों से है और कुछ सामाजिक कारणों से। उसका दृष्टिकोण इस दृश्यमान जगत के प्रति क्षणवादी है, अतः वह हर क्षण को पूर्णतः भोगने का आकांक्षी है। आधुनिक युग बोध। प्रयोगवादी कवियों ने आधुनिक मानव के जीवन में विद्यमान यातना, घुटन, संत्रास, कुंठा, द्वंद्व और निराशा को अपने काव्य का विषय बनाया है। इस कविता में ब्रह्म की सत्ता के स्थान पर मानव की सत्ता की स्थापना हुई है। अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का खंडन है तथा वर्जनाओं को नकारा गया है। वर्तमान जीवन के कटु सत्य को ईमानदारी से व्यक्त किया गया है और परंपरागत मूल्यों की नवीन संदर्भों में जांच परख की गई है। आधुनिक युग बोध के परिणाम स्वरूप नई कविता में एक ओर तो जिजीविषा मुखरित हुई है तो दूसरी ओर उसमें यथार्थवादिता एवं लघु मानव की प्रतिष्ठा भी हुई है। इन कवियों की यह धारणा रही है कि क्यों न हम उसी यथार्थ को अभिव्यक्ति दें जिसे हम भोगते हैं, अनुभव करते हैं, अर्थात जिसे हम आत्मसात कर लेते हैं। व्यापक जीवन की बड़ी बड़ी सैद्धांतिक बातें और तिक्तता के बड़े बड़े फलसफे कला के क्षेत्र में कोई महत्व नहीं रखते। दुख जीवन का कटु सत्य है, किंतु सत्य का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको नई कविता के कवियों ने सटीक शब्दों में अपनी रचनाओं में चित्रित किया है। युग बोध हमें दूसरों से जोड़ता है, संभवतः इसीलिए कवि अपने दर्द के माध्यम से सबके दर्द को समझ लेता है। जिजीविषा के स्वर भी नई कविता में आधुनिक युग बोध का परिणाम है। अभावों, संतरासों एवं कुंठाओं में भी
मानव जीना चाहता है। नए कवि ने इस जिजीविषा को भी वाणी दी। नई कविता ने आधुनिक युग बोध को अपनी विषय वस्तु बनाया। आधुनिक बोध के अंतर्गत ही लघु मानव की प्रतिष्ठा भी नई कविता में हुई है। लघु मानव का अर्थ है वह सामान्य मनुष्य जो अपनी सारी संवेदना, भूख प्यास और मानसिक आंच को लिए दिए उपेक्षित है। भारतभूषण अग्रवाल ने उस लघु मानव को सर्वसर्मत मानकर उसे कुछ नया कर दिखाने के लिए अपनी रचनाओं में प्रेरित किया है। प्रण्यानुभूति। नई कविता के कवियों ने प्रण्य भावना का निरूपण अकुंठ रूप में किया है। इनकी कविताओं में प्रेम का मांसल स्वरूप दिखाई देता है। कवियों ने मांसल प्रण्यानुभूति को व्यक्त करने में कहीं भी संकोच का अनुभव नहीं किया। नई कविता में जो कवि थे वो प्रत्येक क्षण को केंद्रित कर उस हर क्षण को भोगने के लिए उत्सुक हैं। इसी कारण नई कविता में दूषित मनोवृत्तियों का चित्रण अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। नई कविता में कवियों ने कहीं कहीं यौनाकर्षण की अकुंठ अभिव्यक्ति करते हुए अश्लील चित्र भी अंकित किए हैं। लोक संस्कृति। नया कवि लोक से जुड़ा हुआ है। लोक जीवन की अनुभूति, सौंदर्य बोध, प्रकृति, बिंब और प्रतीक, शब्द और उपमान नई कविता में प्रचुरता से मिलते हैं। अगे ने अपनी रचनाओं में प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए इस प्रवृत्ति का परिचय दिया है। गिरिजा कुमार माथुर ने भी लोक जीवन का बिंबात्मक प्रस्तुतिकरण अपनी कविताओं में किया। कहीं कहीं नई कविता की रचनाओं में लोकगीतों की धुन भी देखी जा सकती है। नई कविता ने शब्दों के प्रयोग की दृष्टि से लोक भाषा के महत्व को पहचाना है। बहुत से लोक भाषा के शब्द नई कविताओं में उपलब्ध होते हैं जो भाषा के नएपन एवं ताजगी के परिचायक हैं। शिल्प विधान। नई कविता का शिल्प भी परंपरागत काव्य से भिन्न है। नए उपमान, नए प्रतीक और नए बिंबों के प्रति इन कवियों का विशेष मोह जान पड़ता है। पुराने प्रतीकों का जादू और उनकी अर्थवत्ता अब खो गई है, अतः अब नए उपमानों की आवश्यकता है। ऐसी घोषणा अगे जी ने कलंगी बाजरे की नामक कविता में की थी। निरंतर प्रयुक्त होने से जैसे बर्तन की कलई उतर जाती है, उसी प्रकार एक ही उपमान और शब्द का निरंतर प्रयोग करने से उसका जादू समाप्त हो जाता है। इसी कारण इसको मानते हुए नए कवियों ने कुछ ऐसे उपमान दिए हैं जो सर्वथा नवीन हैं। बिंब विधान की दृष्टि से नई कविता ने महती उपलब्धियां अर्जित की। बिंबों के द्वारा दृश्य को साकार करने में इन कवियों को
पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। प्रतीक योजना में भी इन कवियों ने नवीनता का परिचय दिया है। ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक प्रतीकों का प्रयोग भी किया गया है। नई कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है, जिससे कविता गद्यात्मक बन गई है। मुक्त छंद होने पर भी उसमें भाव एवं लय का अभाव नहीं है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि नई कविता हिंदी काव्य के विकास का एक महत्वपूर्ण सोपान है। इसकी उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं, किंतु नई कविता के नाम पर उलूल जुलूल शब्दों को एकत्र कर देना और उसे इतना दुरूह बना देना कि बात समझ में न आए, वो किसी प्रकार भी श्लाघ्य नहीं है। अति भौतिकता, छंदहीनता, अश्लीलता को नई कविता का दोष ही कहा जाएगा। फिर भी कुल मिलाकर नई कविता हिंदी काव्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान करती हुई दिखाई पड़ती है।